नगरीय निकाय छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस प्रकोष्ठ संघ की बैठक सुपेला स्थित कार्यालय में संपन्न हुई। बैठक में शासन द्वारा सीधे नियुक्त कर्मचारियों को स्टाइपेंड वेतन देने के विरुद्ध निगम भिलाई द्वारा नियुक्त कर्मचारियों का स्टाइपेंड वेतन तथा वेतन कटौती को लेकर चर्चा की गई। बैठक में कर्मचारी नेताओं ने कहा कि शासन के किसी भी आदेश में अनुकंपा नियुक्ति की कटौती करना, स्टाइपेंड वेतन देना आदि उल्लेख नहीं है, लेकिन शासन में बैठे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती वेतन कटौती की जा रही है। बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि शीघ्र शासन प्रशासन 8 संशोधित ऑर्डर नहीं निकलता है और वेतन कटौती बंद नहीं की जाती है तो हाईकोर्ट की शरण ली जाएगी। बैठक की जानकारी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक संजय शर्मा ने। हम लोगों की यूनियन की संघ कार्यालय में अभी बैठक हुई थी, उसमें सबसे प्रमुखता के साथ जो हमारे 2020 के बाद में जो हमारे 26 और उसके बाद में 20 46 लगभग 45 से जो 50 कर्मचारी अपने माता पिता की जगह जो आए हैं, जो गुजर गए जिनके माता पिता, उनके लिए उनको तनख्वाह तो पूरी मिल रही थी, लेकिन एक जुलाई में एक फरमान जारी हुआ जुलाई 2021 में कि उनको स्टाइपेंड मिलेगा 3 साल तक। स्टाइपेंड का मतलब होता है जैसे 100 रुपये आपको मिल रहा है तो आपको जो है पहले साल 30 रुपये आपका कटेगा, सेकंड ईयर 20 रुपये कटेगा और तीसरे साल आपको 10 रुपये कटेगा। जबकि इसका नगरीय निकाय के पृष्ठ में कहीं कोई आदेश नगरीय निकाय से जारी नहीं हुआ है, ये शासन का आदेश है। जो सीधी भर्ती में जो आते हैं और या व्यापम के माध्यम से आते हैं उनको स्टाइपेंड में कटौती करने का नियम है, जिसको नगरीय निकाय के जो उच्चाधिकारी हैं जो रायपुर मंत्रालय में हैं और डायरेक्टरेट में, उन लोगों ने यहाँ आए यहाँ पे नवंबर में 2021 में और उस आदेश को लेके आए और बोले यहाँ काटना चालू करो, हमारे ये 46 कर्मचारी हैं, तो सरासर ये अन्याय है, गलत है। हम लोगों ने उसकी सूचना का अधिकार पूरा नियम भी निकाल लिया है और हर जगह बात भी की है और तमाम नगर निगमों में कट भी नहीं रहा है और कुछ कुछ जगह ये 5 अधिकारी डायरेक्टरेट के सेक्रेटरीट के गए, बलपूर्वक उन लोगों ने काटना चालू किया, तो ये अन्याय है और हम इसके लिए पुरजोर विरोध करते हैं और हम कोर्ट भी जाएंगे इस बात को लेके, और इसके लिए बड़ा रोष है। और ये तत्काल में कमिश्नर को हमने संज्ञान में डाला है, 2-2 बार पत्र दिया है कि आप हमारे साथ बैठक करिए, लेकिन वो भी किसी कारणवश नहीं बैठक कर पाए। और अभी हमने फिर पुनः पत्र दिया है पूरे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल महोदय को, सेक्रेटरी को हमारे नगरीय निकाय को और चीफ सेक्रेटरी, कलेक्टर, कमिश्नर, अपर आयुक्त सभी लोगों को दिया है और 1 महीना हम वेट करेंगे, 1 महीने बाद हम सीधा माननीय न्यायालय बिलासपुर हाई कोर्ट जाएंगे और ये सरासर गलत है, अन्याय है। स्टाइपेंड उनका जबरिया काटा जा रहा है बिना कोई आदेश के, जिससे इनको 20,000 मिलता था आज 15,000 मिल रहा है। एक तो वो परीक्षा अवधि में है, पैसा वैसे ही बहुत कम मिलता है और ऊपर से स्टाइपेंड कट रहा है जो 3 साल तक लगातार कटेगा, जिसको बहुत अन्याय है ये। इसलिए हम लोगों ने इसका कर्मचारी, छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस ने विरोध किया इस बात का।